एक नए विषय पर मैं वीडियो लेके आई हूँ। और नया विषय यह है कि YouTube पर मालती चौहान जैसा एक हसर और होने वाला है, और उस बात को लेके हमारी एक बड़ी बहन ने भी काफ़ी दिनों पहले भी मैंने वीडियो देखा, आज भी एक वीडियो देखा, प्रिया रोहन लव जो है प्रिया जी बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रही हैं, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर मुझे बात करना चाहिए। वैसे मैंने इसके मैटर पे वीडियो नहीं बनाए, पहले जब इसने मैटर किया था एक दो वीडियो डाले थे, लेकिन अब हद पार हो चुकी है, मुझे लगा है मैं इस टॉपिक पर बात करूं। मैंने इन्हें एक कमेंट किया था जिसमें इन्होंने बोला था कि मेरा पति भाग गया, मेरा पति ये कर रहा वो कर रहा तमाम चीज़ें, फिर दूसरे ही दिन इनका जानू सोना बाबू शुरू हो जाता है और फिर इनकी लड़ाई हो जाती है। उस लड़ाई झगड़े के बीच में एक बच्चा पिसता है। और मैंने इनको कमेंट में बोला था जब ये हद से ज़्यादा कर रही थी अभी दो दिन पहले, तो इनको बोला था इस सोशल मीडिया पे एक और ऐसा कारनामा होने वाला है, एक कहानी विष्णु मालती की दोहराई जाएगी, उसमें इस बार मालती की जगह प्रिया होगी। तो मेरे कमेंट का रिप्लाई तो नहीं दिया मैडम ने, और उसके बदले इन्होंने एक वीडियो बना डाला। वीडियो मैंने पूरा नहीं देखा, अभी मैं दीदी का वीडियो देख रही थी जिसमें बोल रही थी कि किसी ने कमेंट किया होगा, इतनी गालियाँ दे रही। तो प्रिया मैडम, मैंने पहले भी पिछले जब गोरखपुरिया ने तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाई थी तो मैंने उस समय भी 20,000-15,000 का गोरखपुरिया भौजी ने इनाम रखा था प्रिया का पता बताने वाले को। मैंने 20,000 का इनाम रखा था प्रिया रोहन का पता बताने वाले को। जाके नीचे जाके मेरे वीडियो में देखना, मैंने इस पे 20,000 का इनाम रखा था जो उसका पता बताएगा। तो ये बंदी आज आती सोशल मीडिया पे एक कमेंट को लेके ये वीडियो बना देती है कि मुझे ऐसा कहा जा रहा है कि मालती की तरह मुझे मारने की धमकी दी जा रही है, मालती के जैसा हसर होगा ये चीज़ मुझे बोली जा रही है, तमाम तमाम चीज़ें ये गालियां दे रही है अपनी वीडियो में। पूरा वीडियो मैंने नहीं देखा, अगर देखूंगी तो इलाज भी परमानेंट करूंगी, मैं करूंगी ही, लेकिन ये बंदी हद से ज़्यादा। सोशल मीडिया तुम्हारे बाप की जागीर है, आज कह रही हूँ मैं, कहना नहीं चाहे था। जो लड़की देखिए, आप गोरखपुरिया भौजी को कहते हैं कि भाग के शादी की, कुछ भी किए चलो भाग किया होगा, अपने घर वालों को भी मना लिया होगा, मानती हूँ बात को, उसके बाद वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ अपने पति के साथ खुश है ना, अच्छी लाइफ जी रही थी, उस पर आपने बवाल कर दिया, तो ऐसे लोगों को क्यों माफ कर देते हो? क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ जाते हो आप? प्रिया कभी रोकर आप क्या ही कहूँ यार, आपने देखे होंगे, मैं इसका ज्यादा बात करना चाहती नहीं हूँ। इस बंदी ने हद मचा दी, ये छोटे छोटे कमेंट, मुझे लगता था ये कमेंट नहीं पड़ती, लेकिन इस बंदी ने जब वीडियो बना के डाल दिया ये तमाम नोच दूंगी, मैंने इतना ही सुना कि मैं उसे नोच दूंगी मार दूंगी, तो भाई ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तुमने खरीद लिया है। और इसका कहना है जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उन्हें देखना पसंद, मतलब उनके लिए बनाती हूँ वीडियो, तो तुम क्लिकबेट थंबनेल क्यों लगाती हो, तुम गलत चीज़ें क्यों दिखाती हो, मेरे पति ने मुझे मार दिया आज। और इसके कमेंट में कई लोग इसे कहते हैं प्रिया मर जाओगी, अपना एक्शन लो, आप पुलिस कंप्लेन करो। और मैंने इसे पिछली बार भी कहा था, अगर तुम सच में प्रॉब्लम में हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अगर तुम्हारा पति तुम्हें परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, किसी तरीके से तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो उस चीज़ को शेयर करो। YT पे शेयर करने से नहीं होगा, YT पे कहते हैं ना इंसाफ नहीं मिलता, तो मैंने बोला था YT पे इंसाफ मिलता है, लेकिन उसके लिए कानूनी प्रक्रिया करनी पड़ती है, उसके लिए कानूनन प्रक्रिया करनी पड़ती है। तुम्हारा पति भाग जाता है एक दिन के लिए और दूसरे दिन आके तुम्हारा सोना बाबू हो जाता है, क्या दिखाना चाहती हो, क्या मैसेज देना चाहती हो समाज को? और हम तुम्हें अगर कहें बेटा ऐसा मत करो, कल के दिन मालती जैसा हसर तुम्हारे साथ होगा तो तुम हमें नोचने को आती, तुम हमें गालियाँ देती हो, तो चाहती क्या हो ये बताओ? एक छोटा सा बच्चा है, उसकी ज़िंदगी किस तरीके से तुमने नर्क से भी बदतर बना दी। और लोग आते हैं इससे समझाते हैं, कई लोग कहते हैं रोहन बिल्कुल गलत है, लफंगा है इससे, मतलब प्रिया तुम बायकॉट करो। दूसरे दिन इसे पता चलता है रोहन इसके घर आ गया अचानक से। मैं ज़्यादा तुम्हारे वीडियो देखती नहीं हूँ, और एक दीदी बनाती है मैं वो सुना, उसके बाद पिछली बार जब कंट्रोवर्सी हुआ था तेरा बहुत ज़्यादा, तो मैंने एक वीडियो बनाया था जब गोरखपुरिया भौजी ने 15,000 का नाम रखा था, तो 20,000 का मैंने भी रखा था। और ये मत समझो कि सोशल मीडिया पे हो तुम्हारा लोकेशन नहीं मिलेगा, इंटरनेट कहीं भी पकड़ लेता है। अगर सब लोग हो गए ना खिलाफ प्रिया, तो फिर तुम कहीं की नहीं रहोगी। जो तुम बार बार दिखाती हो, आज मैं मर जाती हूँ, आज मेरे पति ने धोखा दे दिया, आज मेरे साथ ये हो गया, आज मेरे साथ हो गया, तुम क्यों नहीं पुलिस कंप्लेन करती हो? एक बार इस बंदी का वीडियो आ रहा था थाने तक का, पुलिस विभाग से हूँ, परिवार से, मैं जानती हूँ हर चीज़,
किस तरीके से चालाकी करते हो तुम लोग। तो इस बंदी ने वीडियो बनाया कि मैं कंप्लेन करने जा रही हूँ, तो इसका सोना बाबू आ गया दूसरे दिन, वो जानू आ गया दूसरे दिन। ये क्या मैसेज दे रही हो समाज को? फिर जो लोग तुम्हें कहते हैं, तुम कहती हो मैं अपने पब्लिक के लिए वीडियो बना रही हूँ, तुम लोगों को क्या मतलब? ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे हर किसी को मतलब रहता है जो गलत चीज़ देखते हैं, और हम हमेशा गलत के खिलाफ खड़े होते हैं, गलत के खिलाफ ही बोलते हैं, और हमेशा मांग करते हैं कि गलत चीज़ों को रोका जाए। तुमने भाग कर शादी की, तुम्हारा बच्चा भी हो गया, अब तुम उस बच्चे की ज़िंदगी को बर्बाद करने में तुले हुए हो। कभी कुछ दिखाते हो, कभी कुछ दिखाते हो, कभी कुछ दिखाते हो। अरे अच्छी अच्छी चीज़ें देखो, लव मैरिज कपल नाम से तुमने चैनल बनाया, तो अपने जीवन की जो जर्नी है और उससे तुम अच्छे तरीके से भी वो कर सकते हो ना। नहीं, लेकिन तुम जल्दबाजी के चक्कर में गंदगी में घुस जाते हो। कई ऐसे लव मैरिज कपल हैं जिन्होंने एक यहाँ पे सोशल मीडिया पर अपना बहुत बड़ा नाम कमा लिया। विजय रिया को देखो, उनकी भी लाइफ ऐसी थी, आज नंबर वन ब्लॉगिंग में जाने जाते हैं। विजय रिया जानती होगी, ग्रामीण क्षेत्र से अपने घर की रियल चीज़ें दिखाते हैं, और कई लोग उनके उसके बारे में क्या ही बताऊँ, सभी लोग जानते ही, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा एक अपना जगह बना सकती हूँ, यहाँ पे अच्छी चीज़ें दिखा सकती हूँ, लेकिन वही रोज़ का रोज लड़ाई झगड़ा मारपीट, लाज दूसरी शादी कर ली, आज उस औरत के साथ चला गया, छोड़कर भाग गया, तो तुम्हारी पूजा करेंगे सोशल मीडिया पे? तुम्हारा क्या करेंगे बताओ? आरती उतारेंगे कि तुम अच्छा कर रही हो? अगर हमने बोल दिया मालती चौहान जैसा हसर होगा तो तुम्हें आग लग गई, तुम्हें बिल्कुल धुआं धुआं हो गया तुम्हारे अंदर कि हम गलत बोल रहे हैं। तुम कहाँ सही हो ये बताओ, मुझे जवाब चाहिए। तुम सही कहाँ पे हो जवाब दो, अपने पब्लिक का कमेंट पढ़ो, उस हिसाब से चलो। अगर लव मैरिज किया ना तो उसको मिसाल बनाओ ताकि आगे बच्चे सीखे कुछ। लेकिन तुम्हारे इस लव मैरिज का जो गलत हसर, गलत अंजाम पड़ा है ना, तो वो एक आने वाली पीढ़ी के लिए एक गलत उदाहरण जा रहा है, समाज के लिए गलत उदाहरण जा रहा है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं चाहती हूँ समाज के बीच अच्छे अच्छे एग्जाम्पल जाए। लव मैरिज करना कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, करते हैं दुनिया में, लेकिन उसको आप गलत साबित कर देते हो कि जो बच्चे करना भी चाहते हैं और सही चीज़ें करना चाहते हैं उनके दिमाग में गलत मैसेज जाता है। पहले तो मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ कि आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाते हो, गलत चीज़ें करते हो, भाग के शादी कर लेते हो, उसके बाद फिर जब तुम्हारी बनती नहीं है तो फिर रो धो के सोशल मीडिया पे फेमस होकर व्यूज का खेल खेलते हो। क्यों? छोड़ दो ना पूरी तरीके से, जब तुम प्रताड़ित कर रहा, परेशान कर रहा है, छोड़ो उसे, कंप्लेन करो, जेल में डालो उसे। डायल 112 है अगर कभी भी दिक्कत होता है। अभी रेलवे स्टेशन में वीडियो दिख रहा था 2-3 महीने पहले इसका, कभी बच्चे को लेकर गोद में कहीं घूमते, कभी दिहाड़ी मजूरी करते थे। कौन सा मैसेज देना चाहती हो समाज को, क्या दिखाना चाहती हो? यही तुम्हारा रूप है। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगी तुम्हारे ऊपर, और नेक्स्ट टाइम मुझे इस तरीके से, मुझे भी लगा, मैंने थोड़ा सा देखा था वो वीडियो, मैंने आज वो दी का वीडियो देखा, तो मैंने शेयर किया है, जाके देखना आप, इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, तो पता चला है कि मेरे कमेंट का इसने रिप्लाई दिया। रिप्लाई आधा मैंने देखा था, तब उन्होंने बोला कि क्या क्या बोल रही थी उनको, जो गालियां तुम आके देती हो ना उन व्यूअर्स को जो तुम्हारे ऊपर कमेंट करते हैं, इसका मतलब तुम पढ़ती हो कमेंट। तुमने वो कमेंट भी पढ़े होंगे जो पहले मैंने तुम्हें भेजे थे। प्रिया, तुम्हें किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है, अगर तुम प्रताड़ित हो, परेशान हो, मदद के लिए तैयार हैं, तो मैंने बोला था ये चीज़, वो भी तुमने पढ़े होंगे। उस पर भी मैं देख रही थी, तुमने वीडियो बनाए थे कि मुझे ऐसा बोलते, मुझे वैसा बोलते, मतलब तुम्हें ज़रूरत नहीं थी किसी हेल्प की। अगर तुम्हारा पति प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है, तुम्हें पीट रहा है, या दूसरी औरत के साथ चले जा रहा है और तुम्हें छोड़ दे रहा है, तो तुम्हें उसकी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें व्यूज़ का प्रॉब्लम है भाई। व्यूज़ नहीं घटना चाहिए, और लोग चाहे तुम्हें कितना ही जलील करें, और बिल्कुल मालती से भी बदतर हसर हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना बार बार, शेर आए कहानी मेरे यहाँ बोलते हैं पहाड़ों में, कि एक दिन सच में शेर आ गया, लोगों ने कहा रहे झूठ बोलता, रोज रोज का ड्रामा है, तो उस दिन शेर खा गया उसे, और कहानी का अंत, मालती चौहान चली गई ना इसी नौटंकी में। अगर हमने बोला मालती चौहान जैसे हसर होगा, तो क्या गलत बोला भाई, बता दो कहाँ पे गलत बोला। उससे बदतर नहीं कर रही हो तुम, देख नहीं रही हो हसर में। गुड़िया गोरखपुरिया के लिए भी मैंने वीडियो बनाया, मालती चौहान जैसा हसर होगा, उस दिन से उसका वीडियो नहीं आया, लड़ाई झगड़े वाला, देखा होगा पक्का, मैंने टैग किया था तो उनने देखा होगा, उस दिन से गोरखपुरिया भौजी के सपोर्ट में वीडियो आ रहा था, और नहीं आ रहा था उसका लड़ाई झगड़े वाला वीडियो। कुछ सीखो लोगों से, अगर किया है लव मैरिज ना, या तो छोड़ दो उसको जिस बंदे से परेशान हो, या फिर उसके खिलाफ करो कंप्लेन,
उसको डालो जेल में, ये सोना बाबू जानू करके हमारे बच्चों को गलत मैसेज दे रही हो तुम। अभी फिलहाल मैं एक ये वार्निंग के रूप में ये वीडियो बना रही हूँ, नेक्स्ट टाइम इस तरीके का गलत करा ना, मैं सारे वीडियो तुम्हारे थाने वाने में शेयर नहीं करूँगी, सीधे एक तुम्हारा दूंगी वहाँ पे, समझी तुम? ये समझ लेना, अगर हम समाज के बीच आए हैं ना, अपनी बात को रखने आए, तो बात को पकड़ के चलना सीखते हैं, इतनी हिम्मत रखते हैं उस बात को हम आगे प्रशासन तक भी रख सके। और प्रशासन ने इस पर जांच शुरू कर दी कि एक प्रताड़ित महिला इस तरीके से परेशान है, सोशल मीडिया पे न्याय मांग रही है पब्लिक से, तो फिर आप समझ सकती हो, सोशल मीडिया पे हो तो आप हसर अच्छी तरीके से जानती हो, बकाया मैं कुछ कहना नहीं चाहती। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से, एक छोटी सी समाज सेविका हूँ, हमेशा महिलाओं के मुद्दों को लाती हूँ ताकि समाज में एक प्रेरणा दे सकूँ। और काफ़ी बहनों ने अपने जीवन में अपने लिए आवाज़ उठाई और उसमें वो कामयाब भी हुए हैं जो परेशान थी, और इस तरीके की कोई परेशान बहनें हैं तो उम्मीद करती मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मोटिवेशन तो मिलता है, या अपने लिए आवाज़ उठाएं और सोशल मीडिया को गंदा ना करें, क्योंकि हमारे बच्चों को गलत मैसेज जाता है और मैं कभी नहीं चाहती कि हमारे बच्चों को गलत मैसेज जाए। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद, और डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है उस पर अपना प्यार बनाए। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।